ये हम सफेद चने बना रहे हैं खाने को। इसके अंदर मैंने ऑयल डाल के प्याज को तड़का लिया और इसमें मैंने साबुत गर्म मसाला डाल दिया और अब इसके मैंने पानी डाला है थोड़ा सा और अब इसके अंदर मैं नमक मिर्च डालूँगा। इसके अंदर मैंने एक चम्मच सूरत मिर्चों की पीसी हुई और डेढ़ चम्मच मैंने नमक डाल दिया। मेरे दो गिलास चावल हैं और ये मैंने सौंफ साबुत धनिया को चम्मच चॉप करके रखा हुआ था वो मैंने डाल दिए और अब इसमें मैं डाल दूँगी सफेद चने। इसमें मैंने एक पौनी कटोरी मैंने इसमें ये डाल दिए सफेद चने और साबुत गर्म मसाले में से सिर्फ मैंने एक बादियान खटाई का पुल डाला था, जीरा डाला है एक चम्मच और एक तेज़पत्ता डाला और ये मेरा मसाला भून गया। और इसमें मैंने कई टमाटर नहीं डाला, आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें लेमन ऐड कर दूंगी एक अदर बड़ा और फिर इसमें मैं पानी डालूंगी। ये देखिए जी मैंने इसमें लेमन ऐड कर दिए। मेरे पास अगर टमाटर नहीं होते क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे जा रहे हैं तो मैं उसकी जगह दही डाल लेती हूँ, बाजू का चावल में इमली थोड़ी सी डाल दी, अचार डाल लेती हूँ। तो आपके पास जो अवेलेबल हो वो डाल दें क्योंकि जैसे महंगाई के दौर जा रहा है और उसमें हमें अपने घर को लेकर चलना है, उसमें मैनेज करना है तो फिर आल्टरनेट तो कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि भाई घर में लड़ाई डाली जाए या चीज़ों को लेके ये होगा तो ये चीज़ बनेगी, तो कुछ भी किया जा सकता है आल्टरनेट। बस अब ये मेरा मसाला भून चुका है, अब मैं इसके अंदर डालूँगी पानी और हरी मिर्च डालूँगी। अच्छा जी ये देखिए मैंने इसमें हरी मिर्च और पानी ऐड कर दिया है और अब इसमें मैं साथ चावल डाल दूँगी। और आज फ्राइडे है, 11:30 हो चुके हैं, आज 11:30 बजे बच्चों को छुट्टी होनी है, मेरे हस्बैंड जा चुके हैं बच्चों को लेने के लिए, तो जल्दी जल्दी मैंने अब आटा गूंदना है, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर है। तो मैंने कहा चले मैं आपको बता दूं कि मेरे अब चावल डालने का टाइम हो गया और इसको हम फिर एक उबाला दिलवा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी मेरे चावलों में उबाल आ चुका है, बस अब मैं इसको 5 मिनट में दम पे रख दूँगी। और इस तरफ ये देखें मैंने आटा भी छान लिया है और अब मैं साथ साथ आटा गूंदूंगी। अच्छा जी ये देखें ये मेरा आटा मोक गया। मैं क्या करती हूँ मेरे से ना मुक्की नहीं मारी जाती मेरे हाथों में, ना बहुत तकलीफ रहती है उंगलियों में, तो मैं सिर्फ इसको ऐसे ऐसे मोती और इसको ऐसे इकट्ठा कर देती हूँ ये देख, और हाथों से ऐसे 2-4 दफ़ा कर देती हूँ। चलें जी ये मेरा आटा गूंद गया। इस तरह जी मैं आटा गूंदती हूँ और इसको मैं रेस्ट के लिए रख देती हूँ, तो ये मेरा आटा जो है ना रोटी पकाने के बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। तो मैंने अपना घर में आटा गूंदने की रूटीन थोड़ी सी तरीका थोड़ा सा बदल लिया।
कि मेरे से मुक्की नहीं मारी जाती तो मेरे हाथ स्वेल हो जाते हैं, तो मैंने इसको इस तरीके से गूंदना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें इतने साल गुजर गए हैं मुझे इस रूटीन पे चलते हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें ये चल रहा है मेरा ये सिलसिला। ये देखें जी ये मेरा आटा रेडी हो गया है। और देखें काम करना होता है तो इंसान कोई ना कोई तरीका निकल ही आता है और काम हो ही जाता है, तो कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह ताला मदद करता है। और ये देखें जी ये मैंने अब्दुल्ला के लिए पेड़े भी बना लिए, अब्दुल्ला आने वाला है। और इधर मेरे चावल दम पे आ गए हैं और अब हम अंदर चलते हैं, बच्चे बस पहुंचने वाले ही हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अन्ना? आज आप दो फोन भी करके गई थी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, वालेकुम अस्सलाम। बैग उतारो, ये लंच अब हो रहा है। बहुत बुरा हुआ। चलो चलो जल्दी जल्दी मास्क उतार दो। पता नहीं है तुम सुमैया के साथ खड़ी हो, ये ऐसे ये खींच के आमना की बाइट अंदर जाएगी तो हम पिक बनाएंगे। चलो जल्दी हो जाओ, जल्दी जल्दी हो जाओ।